वेलकम फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू टू दिस माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ विशेष जानकारियां। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का जो है मुझे ये क्वेश्चन होता है कि सर ये बताइए कि फाइनली जो उपाय होना चाहिए नाड़ी का वो कौन सा उपाय, और जिसका फैक्ट जो है लाइफ में बहुत बेटर और बेनिफिट को देने वाला हो, यानी कि नाड़ी दोष से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमें होने वाली है या हो रही है उससे कैसे छुटकारा मिले, उसके लिए जो है सर मुझे बताइए कि इसका एक्चुअल जो उपाय है वो है क्या। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ये उपाय रखने वाला हूं और आपको जो है डीपली इसे चेक करना है, डीपली इसे जानना है, इसे देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, और यदि आप स्किप करोगे तो इसकी बारीकियां जो है आप जान नहीं पाओगे। तो ये उपाय है जो नाड़ी दोष से रिलेटेड, ये मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस माई यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। सो बात करते हैं इस नाड़ी दोष के महा उपाय पर। वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं नाड़ी दोष के महा उपाय, आखिर इसका जो उपाय है वो क्या है और परफेक्ट उपाय क्या है, परफेक्ट जो है फैक्ट देने वाला लाइफ में क्या हो ऐसा उपाय है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, शास्त्र हमें इस बात की अनुमति यानी अलाउड नहीं करता कि यदि हमारा नाड़ी दोष है और नाड़ी दोष के रहते यानी नाड़ी दोष में जो है हम विवाह कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली जो है बातें हैं। तो शास्त्र बिल्कुल भी अलाउड नहीं करता कि आप नाड़ी दोष में शादी करें, और यदि शादी करते हैं तो आपको इससे रिलेटेड जो फैक्ट है डिफेक्ट है वो आपको लाइफ में फेस करने को मिलेंगे, ये तो फिक्स है, पक्का है, तो अलाउड नहीं करता। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि चलो ठीक है, किसी सिचुएशन में ये होता है कि हम जो है नाड़ी दोष जैसी प्रॉब्लम के बावजूद भी हम विवाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो उसके लिए शास्त्र ने फिर ये कहा कि चलो ठीक है, यदि आप फिर भी नाड़ी दोष के बावजूद भी यदि आप शादी करना चाहते हो तो आप ये उपाय कीजिए। और यही उपाय जो है बहुत सारे हमारे जो पुराने एस्ट्रोलॉजी के जो एक्सपर्ट हुए हैं, भारतीय ज्योतिष के जो बहुत बड़े बड़े महान ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। नारद संहिता में यह बात आई है, भृगु संहिता में यह बात आई है, और बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी बुक्स पर, आर्टिकल्स पर मैंने पढ़ा है। तो इन बुक्स में यही लिखा है कि नाड़ी दोष जैसी समस्या काफी चीजों को जो है जो क्रिएट करती है, यानी कि जो हमारी लाइफ में कुछ चीजें खराब हो सकती है उससे रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करती है नाड़ी दोष। तो नाड़ी दोष संभवतः हर किसी में नहीं होता, लेकिन जिन वर वधु की कुंडली में, जिन लड़का लड़की की कुंडली में नाड़ी दोष उत्पन्न हुआ है उनके लिए शास्त्र कहता है कि यदि आपको करना ही है तो आप ऐसे उपाय कीजिए। और इसका सबसे बड़ा उपाय जो है मैं आपको बता दे रहा हूं, ज्यादा वीडियो को लंबा ना बनाते हुए शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि इसका सबसे पहला जो उपाय है वो है महामृत्युंजय यज्ञ, महामृत्युंजय जाप। तो डिटेल्स में सारी चीजें जानिएगा, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो इसको यानी उपाय को हमें एक कॉम्बो के रूप में लेना पड़ेगा। तो ये क्या क्या चीजें हैं इसमें ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो है महामृत्युंजय जाप, यानी कि शादी से पहले और सगाई से भी पहले, लेकिन ये उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी सिर्फ और सिर्फ नाड़ी की ही वजह से जो है रिश्ता नहीं हो पा रहा, यानी कि अन्य सभी चीजें जो है वो परफेक्ट अपनी जगह पर है, यानी कि मैचिंग रिलेटेड, मैं मैचिंग की बात कर रहा हूं कि मैचिंग में और इसके अलावा कोई दोष ना आ रहा हो, जैसे कि राशि मैत्री या फिर गुण अच्छे मिल रहे हो, तो ये सारी चीजों के बावजूद भी यदि नाड़ी ही सिर्फ एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके रिश्ते के बीच में आ रही है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसकी वजह से आप डर रहे हैं, तो मैं कह देना चाहता हूं कि उन्हीं के लिए सिर्फ ये, जिनकी सिर्फ नाड़ी ही एक प्रॉब्लम है मैचिंग के दौरान। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो
जो पुराने एक्सपर्ट्स हैं, विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो सगाई से भी पहले, शादी से भी पहले, तो जो है आपको ये महामृत्युंजय यज्ञ करवाना चाहिए। और महामृत्युंजय यज्ञ जो है, जो जाप है, इसे जो है 1,25,000 यानी कि 1,25,000 की क्वांटिटी में आपको इसको करवाना है। अब जाप तो करवाना है, लेकिन जाप के लिए, यज्ञ के लिए सबसे पहले ये फल तभी देगा जब आप जो है इसको राइट टाइम पे करेंगे, यानी कि जो शादी करने वाले हैं लड़का और लड़की, उन दोनों के नाम से आपको जो है इस यज्ञ को करवाना है। लेकिन इस यज्ञ के लिए आपको जो है एक तो टाइम परफेक्ट होना चाहिए, आप दोनों के हिसाब से जो है टाइम अच्छा होना चाहिए, यानी कि मुहूर्त इसके लिए निकाल देना चाहिए जबकि ये जाप आपके लिए सफल हो पाए, ऐसा मुहूर्त एक्सपर्ट से जो है आप जान सकते हैं। तो ऐसा 12 महीनों में से कुछ ही ऐसे महीने होते हैं जिनमें आप इस यज्ञ को कर सकते हैं, हमेशा नहीं कर सकते, और खासकर नाड़ी दोष के लिए तो आपको जो है ये एक्सपर्ट से बहुत जो है यज्ञ के लिए जो जानकारी है वो लेनी चाहिए, यानी कि मुहूर्त लेना चाहिए, और उसके बाद जो है ऐसे लोगों से करवाना चाहिए, ऐसे ब्राह्मणों से करवाना चाहिए जो कि एक्सपर्ट हो महामृत्युंजय जाप को करने वाले। और साथ ही साथ में कई बार ऐसा होता है मित्रों कि हम यज्ञ जाप तो दे देते हैं ब्राह्मणों को करने के लिए, लेकिन वहां जो है कई बार बहुत सारे ब्राह्मण जो इसको पूरा नहीं करते हैं, यानी कि आपको सिर्फ जो दिखाते हैं और करते नहीं है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों को चुने जो कि इस कार्य में निपुण हो और पूरा करें विश्वास के साथ में, और यदि पूरा करो होगा तभी आपको लाइफ में फल मिलने वाला है, और यदि ये पूरा नहीं हुआ तो आपको फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, यानी कि नाड़ी दोष शांति का उपाय आपका पूरा नहीं होगा और इससे आने वाली प्रॉब्लम्स जो है आपको लाइफ में आएंगे, ये तो 100% है। तो इसलिए जो है इस उपाय को इस तरह से करें। दूसरा, महामृत्युंजय के साथ में जब महामृत्युंजय यज्ञ पूर्ण हो जाए तो उसका दशांश हवन, यानी कि जितनी आपने जितना जाप किया है उसका दशांश जो है उसका होम करना है, यानी देवी देवताओं का ये भोजन रूप में होम होता है, तो ये यज्ञ इसका करना है। उसके बाद में दशांश होम के बाद में जब दशांश होम हो जाए तो उसी के साथ में जो है आपको तर्पण, यानी कि महामृत्युंजय भगवान का जो है तर्पण आपको करना है, दशांश उसका जितना हवन हुआ, आप हवन का दशांश आपको तर्पण करना है, तर्पण के बाद ही उसका मार्जन, आप तर्पण का 10वां हिस्सा यानी कि 10% जो है आपको मार्जन करना है, और वही मार्जन जो है वर वधु के ऊपर जो है वो मार्जन करके उनकी नाड़ी दोष की शांति करनी है। इसी के साथ साथ में जो है आपको इस यज्ञ के पश्चात 12 ऐसे वैदिक ब्राह्मण, यानी कि जो वेद को जानने वाले, शास्त्र को जानने वाले और तपस्वी होने चाहिए, यानी कि एजुकेटेड और साथ ही साथ में बहुत विद्वान, धर्मशास्त्र को जानने वाले, वेद को बोलने वाले, वेद के मंत्र जिनके मस्तिष्क में हो, ऐसे ब्राह्मणों का वरण करके आप जो है 12 ब्राह्मणों को जो है बहुत अच्छा भोजन, बहुत सुंदर भोजन आपने जो है कराना है। उसके बाद ब्राह्मणों को जो है उन जो ब्राह्मण आपके यहां भोजन के लिए आए हैं उन ब्राह्मणों को आपको दक्षिणा से उनको प्रसन्न करना है। अब वो चाहे आपके 1 रुपए में प्रसन्न हो और चाहे 1,000 रुपए में प्रसन्न हो, तो आपको उनकी प्रसन्नता वस्त्र आदि बर्तन, 5 बर्तन वस्त्र 5 और इस प्रकार से उनका वर्ण करके और जो कुछ आप लोग दे सकते हैं आप उसी तरीके से जो उन ब्राह्मणों को आपने विदा करना है, और उनका आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसी चीज है कि जिसने आशीर्वाद दे दिया तो आपके जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। बिना आशीर्वाद लिए ब्राह्मणों का आप कितना भी यज्ञ करवा लीजिए उसका फल आपको नहीं मिलेगा। 2 बातें तो ये हो गई हैं। अब तीसरी बात यह है कि इन ब्राह्मणों के भोजन से भी पहले यज्ञ के बाद में आपको जो है गौ दान करना है, यानी कि गौ का दान करना है। एक गौ, वैसे नियम तो यह है कि गाय जो है ब्याई हुई होनी चाहिए, दूसरा उसका बछड़ा उसके साथ में होना चाहिए, उसके चारे का जितना भी खर्चा अब आने वाला है वो खर्चा भी आपको देना है, और गाय को जो है
लड़का और लड़की के हाथ से दान करवा के आपको जो है किसी सुपात्र बहुत अच्छे विद्वान और वैद्य के ब्राह्मण को वो जो है दान करना है, यानी कि गौ दान करनी है। इसी के साथ साथ में आपको इसके बाद में कुछ स्वर्ण दान करना है, कुछ भी छोटा बड़ा या ज्यादा या कम, जो कुछ भी आपको सोना कुछ ना कुछ मात्रा में आपको उसी ब्राह्मण को दान करना है। सोने के साथ में लोहा, तांबा, पीतल और चांदी, ये चीजें जो है आपको दान करनी है। अब इसके पश्चात जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर जो है एक नाड़ी, यानी कि सोना, तांबा और चांदी, ये तीनों प्रकार के जो है तार बना लेने हैं, यानी कि स्वर्ण के रूप में, और इन तीनों रूप में जो है नाड़ी का जो है यहां पर विधान है, नाड़ी काटने का। तो नाड़ी का जो है विधान यहां पर जो है नाड़ी का छेदन करना है, और वो ब्राह्मण अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस प्रकार से इसको छेदन कर सकते हैं, और वहां पर नाड़ी का छेदन होना है उन तीन तारों के द्वारा, तीन जो वस्तुएं हैं, तीन जो धातु हैं, इनके द्वारा ही यहां पर नाड़ी का छेदन होता है। और जहां नाड़ी छेदन के बाद में आप ब्राह्मण को आशीर्वाद ग्रहण करते हैं तो नाड़ी दोष की पूर्ण तरीके से शांति होती है, और जो भी प्रॉब्लम्स नाड़ी से रिलेटेड होती हैं वो सभी प्रॉब्लम्स यहां खत्म हो जाती है। लेकिन ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, और यदि अगर कोई आप ब्राह्मण से नहीं करवा सकते, आप इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप इस जाप को स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन 1,25,000 की क्वांटिटी में आपको उसको पूरा करना है प्रतिदिन, जिस दिन भी आप जाप करेंगे, स्टार्ट करेंगे उस दिन से, और जब तक ये जाप पूरा नहीं होता रोज प्रतिदिन सुबह, यानी कि एक वन डे भी इसमें मिस नहीं करना है, और इसको पूरा जो है आप कर सकते हैं 11 दिन में कर सकते हैं, 31 दिन में कर सकते हैं, 41 दिन में कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये जाप नहीं जाना चाहिए, और इसको तुरंत पूर्ण करके इसी तरीके से किसी सुयोग्य ब्राह्मण को बुला के आपको जो है ये यज्ञ करवा के नाड़ी दोष की शांति करनी है। इसके बावजूद भी यदि आपको कुछ चीज समझ नहीं आई है तो यू कैन मैसेज मी इन कमेंट सेक्शन, तो आप बात कर सकते हैं, और फोन नंबर भी किसी वीडियो के इंट्रो में मेरा होता है, तो आप डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हैं। यदि आपको कुछ चीजें और समझनी हो या कोई जानकारी लेनी हो या फिर कोई चीज आपको बिल्कुल माइंड में नहीं आ रही हो, आपको समझ नहीं आ रही हो, या फिर किसी तरह की भी प्रॉब्लम जो आपकी है मन में, कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये नाड़ी दोष का सबसे परफेक्ट, और मैं तो ये कहूंगा कि नाड़ी दोष का ये महा उपाय है। यदि आप इस उपाय को यदि कर लेंगे सही तरीके से, क्योंकि इसके लिए श्रद्धा और विश्वास ये दोनों होना बहुत जरूरी है, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तो श्रद्धा और विश्वास जब आप दोनों रखेंगे तो तब जाके आपका जो है ये नाड़ी दोष ब्राह्मणों के द्वारा जो है संपन्न हो, नाड़ी दोष की शांति संपन्न हो सकती है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो चीजें थी, जो सही उपाय था, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आपको इस उपाय को करना है और निष्फिक्र हो जाइए बिल्कुल। इस उपाय के होने से आपको 100% जो है फल मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसको कैसे करवाते हो, किस समय पे करवाते हो, ये पूर्ण होता है या नहीं होता है। जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है इस उपाय के दौरान, इस यज्ञ के दौरान आपको ये सारी चीजें जो है परफेक्ट तरीके से करनी है। और इससे बड़ा एक चीज मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि इससे बड़ा कोई महा उपाय नहीं होता नाड़ी दोष का। यदि आपको कोई बेवकूफ बनाता है किसी और चक्कर में तो बिल्कुल भी उसकी बातों में मत आइए। यही नाड़ी दोष का परफेक्ट जो है उपाय है, जो कि शास्त्रों ने कहा है, हमारे बड़े बड़े दैवज्ञ वैदज्ञ ब्राह्मणों ने जो है इस उपाय का उल्लेख किया है अपने धर्म ग्रंथों में, यानी कि ज्योतिष के जितने भी धर्म ग्रंथ है उनमें किया गया है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है कि नाड़ी दोष
कैंसिलेशन भले ही बहुत सारी जगहों पर दिया है कि आपका जो है नासिन नक्षत्र एक हो, यदि चरण अलग हो या चरण भी एक हो और नक्षत्र अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता। इस तरीके के जो भी कैंसिलेशन है, ये बहुत सारे कैंसिलेशन दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं नाड़ी को, नाड़ी दोष को दूर करने के लिए। लेकिन कई महानुभावों ने, कई ज्योतिष के बड़े बड़े विद्वानों ने यह भी कहा है कि चाहे कितने भी कैंसिलेशन हो जाए, लेकिन यदि नाड़ी दोष परसेंट हो गया है आपकी ड्यूरिंग द योर हॉरोस्कोप मैचिंग, तो उसके अंदर आने वाला ये नाड़ी दोष लगता ही है, चाहे वो ब्राह्मण हो। कैंसिलेशन भले ही दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद कैंसिलेशन के बावजूद भी कुछ ना कुछ प्रतिशत रूप में जो है फेस करने को मिलता है फ्यूचर में, मैरिड लाइफ में। तो उन्हीं महाविद्वानों ने कहा है कि आपको जो है नाड़ी दोष लग गया, ठीक है, कैंसिलेशन भी हो गया है, ठीक, कैंसिलेशन भी अपनी जगह है, लेकिन पूरा कैंसिल नहीं होता। इसलिए सबके लिए जरूरी, चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वर्ण हो या कोई भी हो, जिसका भी मैचिंग के दौरान नाड़ी दोष आ गया है, उसको जो है नाड़ी दोष की शांति कर ही लेनी चाहिए, करवानी ही चाहिए, ऐसा हमारे महापुरुष कहते हैं। तो इस बात को लेकर जरूर चले, क्योंकि ये जो है उपाय बहुत जरूरी हो गया सबके लिए। क्योंकि जो आपस में प्रेम करते हैं, लव मैटर जिनका है, जिनका रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ में, तो उनके लिए अब जो है ये बात ऐसे हो जाती है शादी वाली की करनी ही करनी है। और अक्सर ऐसा होता है जो आपस में मिल जाते हैं, रिलेशनशिप में आ जाते हैं, वो विवाह करते ही करते हैं। ऐसा 2 या 4% होता है कि वो नहीं करते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको जो है ये महामृत्युंजय यज्ञ जो है, और इन इन चीजों के साथ में जो भी मैंने आपको डिटेल्स दी हैं, उन डिटेल्स के साथ में आपको इस उपाय को करना ही करना है। तब जाके आप समझ सकते हो कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सकता है और गुड जो है मैरिड लाइफ हो सकती है। तो ये थी सारी चीजें, आपको पुनः वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिलूंगा, और तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।